टाटा का आसा टाप, ये तो काश्तकार को नाम बताना ही नहीं पड़ता। 75% आसा टाप। क्या किलो आता भी आसा टाप? 670 रुपये किलो। 670 रुपये किलो। डोज 25। वो चम्मच आता ना उसमें? हाँ चम्मच आता। कितने चम्मच डालना पड़ता? एक चम्मच। और ये टाटा कंपनी का आसा टाप? हाँ। और ये? ये अदामा का आसा टाप। ये अदामा, ये दवाई इसी में अदामा की है। ये रेट में कितना फर्क है दोनों में? 50 रुपये किलो काम है। हाँ 50 रुपये किलो काम है। आसा टाप 75% SP। आसा टाप 75% SP। ऐसी फेट दोनों में, ऐसी फेट है ना? कितने रुपए का फर्क है दोनों में? 50 रुपये। 50 रुपये का रेट का फर्क है। और ये है अपना लेंसर गोल्ड। लेंसर गोल्ड में क्या है? आसा टाप, ऐसी फेट और इमीडा क्लोक है। इमीडा ये क्या किलो मिलता भैया? ये 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो। इसका डोज 30 ग्राम। 30 ग्राम। ये लेंसर गोल्ड है UPL का और ये है सावेल का। दोनों सेम चीज है ना? इसमें कितना है? 50। 1.18। इसमें कितना है? इसमें भी है 50 और 18। दोनों में रेट का कितना फर्क है भैया? सेम रेट है। हाँ रेट भी सेम है, दोनों के रेट सेम है। और ये क्या है? टोपेस, टपोस, 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 सॉरी। इसमें आसा टाप, इसमें भी आसा टाप है। हाँ 35% आसा टाप प्लस उप्रोभंजन 15%। ये क्या काम करता? थोड़े थोड़े सभी प्रकार के हरे पीले। ये भी कॉम्बिनेशन में है ना? ये भी कॉम्बिनेशन। ये कहाँ यूज़ होता ज़्यादा ये कंटेन? ये टूटे के लिए चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े काटा कर ज़्यादा हो गया। हाँ बहुत अच्छा काम करता है ये। टूट टूटे ज़्यादा रहे तो यूज़ करना। और ये अपना नॉर्मल मावा टूट टूटा रहा तो ये लेंसर गोल्ड। और ये क्या है अपना? टाटा मानिक वाला कंटेन है ना? ऐसी डीमा प्राइड 20% SP। ये कौन सी कंपनी का है? एस्टेट। ये क्या किलो गिरता भैया? ये है 1300 रुपये किलो। और ये दूसरा, ये हड़म्बा का है? ये भी वही चाहिए? ये भी सेम है। एक्सीटीमा प्राइड 20%। ये भी ब्रांडेड ही है। ये सभी चीज़ों के काम आता? मावा, तुड़ तुड़े, फुलकड़े, सफेद मक्खी और मुझे सभी आ गए उसमें, अंडे वंडे सब सफेद मक्खी के। हाँ सफेद मक्खी। और डोज बहुत कम है शायद इसका ना, 10 या 15 ग्राम का। 10 ही ग्राम, 15 नहीं, 10 ग्राम का ही है ना? सस्ता गिरता है ये, कम डोज में सभी कीड़े कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल है, हाँ सिस्टमिक है। टाटा मानिक वाले कंटेनर में? टाटा मानिक महंगा गिरता? महंगा गिरता है, ये सस्ता गिरता है ना। क्या बोले, क्या किलो? 1300 रुपये किलो। 1300 रुपये किलो। ये मुझे बहुत कम लगता है ना, 10 ग्राम ही लगता है। हाँ, और ये कितना लगता है लेंसर गोल्ड और वो आधा टाप? 25-30। 30 ग्राम। सिंजेंटा का ये क्या है भैया? ये सिंजेंटा का एक्टारा नाम से आता है वो कंटेनर। एक तारा जो सिंजेंटा का आता है वो है सेम, लेकिन हड़म्बा कंपनी का। ये रेट में कितना फ़र्क है भैया? बहुत फ़र्क है। कितना? ये है सिर्फ 1100 रुपये किलो। और वो सिलेंडर का वो आता है 1600 रुपये किलो। 1600 रुपये किलो। उसका डोज कितना है भैया? 8-10 ग्राम। हाँ 8 से 10 ग्राम। 8 से 10 ग्राम। ये क्या काम आता? सफेद मक्खी, मावा, तो थोड़े मिर्ची का चुड्डा भी निकलता है। सकिंग पे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसके लिए ये। और ये अपना कॉन्फिडर टाटा मीडा। टाटा मीडा ये क्या लीटर आता? ये है 1600 लीटर। 1600 रुपये लीटर। इसका डोज कितना है कंप्यूटर का? 10-12 ml। और सस्ते कंपनी का लिए तो कितने क्या लीटर आ जाता है? वो तो 1100 रुपये लीटर आ जाता है। 1100 रुपये लीटर है ना। और ये अपना नीम ऑयल, इंडो नीम 10,000 PPM वाला। कितना है? 10,000 PPM। क्या लीटर गिरता भी है? रेट भी है 1000 रुपये। 1000 रुपये लीटर। और डोज क्या है इसका? 20-25 ml। ये अभी नीम ऑयल गुलाबी बोंडली के लिए। हाँ पहला स्प्रे इसका ही रिकमेंडेड है कृषि विभाग की तरफ से। हाँ नीम ऑयल का, नीम ऑयल का ही। ये लोग पहले क्या है? ये काय के लिए भैया? ये अली के लिए।
गुलाब है, सभी प्रकार के अल्ले, सभी प्रकार के अल्ले। ये क्या जो है, क्या कंटेंट है इसमें? इसमें कंटेंट है नोवेल रॉन प्लस इमेमेक्टिन मेंजोएट। इमेमेक्टिन मेंजोएट प्लस नोवेल रॉन। क्या लीटर गिरता भी है ये? है 1600 लीटर। और डोज क्या है इसका? 40। 40। और वो है सकिंग के लिए, टकऑफ, मुझे रस चूसने वाले कीड़े कपास के लिए। ये क्या डोज है? ये अटैक अगर है तो इसको करना अच्छा है, बहुत ज़्यादा छुट्टा रहा तो। हाँ, इसमें पोलो का कंटेंट डायफेन था दौरान, जो पोलो में आता वो है ना, वो वाला कंटेंट। मुझे सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल करेगा। हाँ। और अली का भी कंट्रोल करेंगे, गुलाबी अली और गुलाबी अली और दूसरी भी अलिया, क्योंकि इसमें भाई बहन रिंद भी है ना, दोनों काम करेंगे। ये क्या डोज है? इसका डोज है एक पम्प में 20 ग्राम का। 20 ग्राम। क्या लीटर गिरता है यह? 2100 रुपये लीटर। 2100 रुपये लीटर। और ये क्या है? फेप्रोनिल। ये फेप्रोनिल मंजे जो बाप रिजेंट, रिजेंट एसी। हाँ, वाला बायर का है, वही कंटेंट है, सेम कंटेंट, आगड़ी एसी नाम से है, रेट भी कम है इनके। क्या रेक? 900 रुपये लीटर। 900 रुपये लीटर। ये फूल कीड़ के काम आता ना, फूल कीड़े में, फूल कीड़ गुलाबी अल्ली भी कंट्रोल करता है थोड़ी सी। हाँ, तुड़ तुड़े भी कंट्रोल करता है, मावा तुड़ तुड़े, कंट्री माछी, इसके अंदर खोड़ाड़ी, ये जो सोयाबीन के अंदर जो खोड़ाड़ी घुसती जो। हाँ, वो उसके लिए। ये क्या लीटर गिरता भैया? 900 रुपये लीटर। और डोज कितना है इसका? 30। 30। सोलोमिन, सोलोमान, इसमें है बायर का कॉन्फिडर प्लस। हाँ, अली की दवा इसमें दो है, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक इंसेक्ट दोनों। मिडाक्लोपिड प्लस बीटा साइफ्लूथ्रिन 8.49%। क्या कितने गिरता भी है? 2250 रुपये लीटर। 2200 रुपये लीटर। डोज क्या है? 15 ml। ये मुझे कौन से काय के लिए काम? सकिंग प्लस खोड़ कीड़ा जो है इसका, सोयाबीन का, उसके अंदर सोयाबीन का चक्री भूंगा, उसके बाद में मुटड़ी, सभी कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है। ये पोलो, ये पोलो का घंटे, पोलो क्या किलो आता? वो है 2550। और ये क्या किलो है? ये 2000 रुपये किलो। 2000 रुपये, 500 रुपये किलो का फर्क है। इसका डोज क्या है पोलो का? 25। ये सफ़ेद मक्खी के लिए, वाइट फ्लाई के लिए 25, बाकी के लिए 20। बाकी क्या क्या कंट्रोल करता है? सभी है इसमें, 3 माइट्स, एफेड्स, जेसिड्स, सभी कंट्रोल करता है। मुझे फेप्रोलिन मारने के बाद फिर वापस ये मारना ही पड़ता है, मारना पड़ेगा। हाँ, UPL का उलाला, उलाला ये बहुत अच्छा पड़ता है। ये क्या बोलते हैं, ये मित्र कीड़ों को नहीं मारता ना? नहीं, जो खेत में अपने मित्र कीड़े रहते हैं वो बच जाते हैं, इससे बचते हैं। और इसमें पॉइजन भी कम है। हाँ, ब्लू ट्रायंगल है इसमें, मनुष्य के लिए भी हानिकारक कम है। ये क्या किलो आता भैया? ये है 8000 रुपये किलो। 8000 रुपये किलो। और इसका डोज क्या है? 8 ग्राम, सफ़ेद मक्खी के लिए, मावा तोड़ तोड़ के लिए 6 ग्राम। 6 ग्राम। और इससे पनामा भी, पनामा भी वही कंटेंट है, वही कंटेंट है, सेम। रेट? रेट भी 200 रुपये से कम है, 7800 रुपये किलो। 200 रुपये का फ़र्क है दोनों में, सेम कंटेंट है दोनों में, सेम। सिर्फ ये थ्रिप्स कंट्रोल नहीं करता है। कौन? ये लाला। थ्रिप्स बोले तो क्या होता? फुलकीड़ी। फुलकीड़ी, वो जो फेप्रोनिल मारना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए इसमें फेप्रोनिल या फिर एसीपी डालना पड़ेगा इसमें। ये क्या है? वायरोसिल, वायरोसिल वेदांत का। ये मंजे कोई भी भाजीपाला पपई पे जो वायरस आता है वो बचाने के लिए, पपई भिंडी सबको वायरस होता। ये ग्रीन सील अल्ट्रा केवलिन सिलिकॉन पाउडर है, सिलिकॉन बेस पाउडर। ये जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग हैं जिनको कीटनाशक जमता नहीं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए एक नंबर है। मावा तुड़तुड़े, फूलकीड़, पांड्री माछी, खोड़कीड़, कोहली इत्यादि सभी कीड़ों को
सिर्फ कीड़े ही नहीं, बुरशी भी कंट्रोल करता है, करा भी है दुकान, करपा भूरी मंजी, ये कीड़े भी बचाता, फंगीसाइड का भी काम करता, और भाजीपालों पे चमक भी लाता है, और सूर्य प्रकाश बढ़ाता है, मुझे खाद की उपलब्धता बढ़ाता है, फास्फेट की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, रासायनिक खाद के इसको मिला के डालते तो रासायनिक खाद डबल काम करता, सब्जी भाजी में चमक बहुत आती, फूल गल कम होता। ये क्या, ये बहुत सस्ता है ना, 420 रुपये किलो किलो, ये सब दवाई के साथ में डालना चाहिए ना, बढ़िया है। ये बेनिफिशियल एलिमेंट है ये, हाँ ये बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं इसको, मंजे खाद भी है, कीटनाशक बुरशीनाशक सबका कॉम्बिनेशन ही है, ना जहरीला है ना कुछ है, नहीं 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 बेनिफिशियल बोलते हैं। ये है हमारा गोदरेज का डबल, क्या लीटर आता भैया ये है, 2800 रुपये लीटर, 2800 रुपये लीटर। इसका डोज क्या है, इसका डोज है 10 ml, 10 ml का। और ये चमत्कार घड़ा का झाड़ रोकने के लिए, ये क्या, क्या लीटर आता है ये, 900 रुपये लीटर, 900 रुपये लीटर। और इसका डोज कितना है, 25 ml कपास पे, कपास पे। और एक वो सिजेंटा का आता है ना, कल्टार, कल्टार कल्टार आता है, वो टॉनिक भी है फूल निकालने के लिए, हाँ। और झाड़ रोकने के लिए, हाँ, भी है। वो कितना है मेरे ख्याल से 330 ml 2600 रुपये का है ना कुछ, हाँ वो नया भी है, नया लॉन्च किया है कल्टार।